अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद काशिफ और आप देखें क्रिप्टो करेंसी चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको जो है बाइनांस वेब थ्री वॉलेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे अपडेट देने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने मतलब कैसे अब बाइनांस वेब थ्री आप यूज़ तो कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे एडोप्स वगैरह आ रहे हैं आजकल, बहुत ही अच्छा इनका हाइप चल रहा है बाइनांस का वेब थ्री वॉलेट का। तो अब काफ़ी जो न्यू बिगिनर यूज़र है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि कोई भी एडोप होता है, ये जो भी वीडियो में सिखाऊंगा वो आपको यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आपने यहाँ पे जो मतलब जो हैं या मतलब जिन्हें सारा कुछ पता है, जो प्रो हो चुकी हैं, काफ़ी ऐसा हो चुका है जिन्हें क्रिप्टो करेंसी में या एडोप्स ज्वाइन करने, उन्हें तो यहाँ पे पता होता है, बट फिर भी अगर वो भी देख रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर शायद आपको कुछ इजाफा हो जाए आपके नॉलेज में, कुछ ऐसी बात आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए जो आपको शायद पहले ना पता हो। तो ये वीडियो पूरी वॉच कर लेना। यहाँ पर कोई यहाँ पर आज मैं कोई लोड नहीं बताने वाला, बट ये लोड के रिलेटेड या एडोब्स के रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे एडोब में आपको यहाँ पे हेल्पफुल होने वाली है। तो काफ़ी यूज़र्स में, क्योंकि मैं वीडियो देता हूँ एडोब पे बाइनांस ऐप, या काफ़ी यूज़र मुझसे फिर पर्सनली पूछते हैं कि भाई बाइनांस में अब आर्बिटम कैसे सेंड करें, क्या ETH में वहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि बिगनर उन्हें नहीं पता कि ETH तो एक है बट नेटवर्क चेंज है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा, तो वीडियो यहाँ पे लास्ट तक वॉच करना। और अगर आपको कोई और यहाँ पे हो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आ जाना। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद ना यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट टाइप का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। बाइनांस पे पूरा ट्यूटोरियल पड़ा है प्लेलिस्ट का, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये आपने जो अगर आपको बिगनर है बिल्कुल, तो ये पूरी आप यहाँ पर प्लेलिस्ट लाजमी वॉच करके यहाँ पर सारा कुछ बाइनांस सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी यार लाजमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी एडोब की अपडेट्स होती है तो ये आपको मैं इधर ही देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके रिवार्ड के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर मस्ट है के आप ज्वाइन करें, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी एडोब की अपडेट्स होती है यहाँ पे फ्री के एडोब्स आपको यहाँ पे ज्वाइन कराए जाते हैं। अब बात करते हैं आपने कैसे अपने बाइनांस वेब थ्री से एक्सचेंज में, और एक्सचेंज से कैसे आपने वेब थ्री में सेंड करना है। तो सिंपल है, सेंड रिसीव का तो आप तो पता है। अगर रिसीव पर क्लिक करोगे, यानी कि आप वेब थ्री में कोई टोकन डिपॉजिट कर दो, अगर सेंड करोगे यहाँ इसका मतलब है आप वेब थ्री से कोई टोकन सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे सेंड करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँ, या मुझे कोई जो भी मेरे पास नेटवर्क होगा, सॉरी जो भी बस कॉइन होगा, वो आप मुझे यहाँ पे शो कर देगा कि मैं यहाँ पे ये कॉइन सेंड कर सकता हूँ। अब जो है मुझे यहाँ पे BNB सेंड करना है, तो अब मैं यहाँ मुझे BNB सेंड करना है, तो यहाँ पे मैं BNB सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे BNB सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे मांग रहा है एड्रेस। अब ये एड्रेस कहाँ से आएगा, ये एड्रेस आएगा मुझे, क्योंकि अब मुझे एक्सचेंज पे सेंड करना है। अगर मुझे एक्सचेंज पे सेंड करना है तो यहाँ पे एक्सचेंज पे आऊँगा, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है डिपॉजिट पे आने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो BNB का यहाँ से एड्रेस ले लूँगा, सही है। और यहाँ पे अब कौन सी मैंने चेन, वहाँ पे कौन सी चेन पे पड़ा था, Web20 चेन पे मेरे पास BNB पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे Web20 चेन सेलेक्ट करूँगा, ये एड्रेस आ जाएगा, इसको कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के बाद आई थिंक नहीं हुआ, एक मिनट, तो कॉपी कर दूँगा यहाँ पे, ये इस जगह से यहाँ पे ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। अगर यहाँ से बाइनांस में सेंड करना है तो बाइनांस से लेंगे, किसी और बाइनांस अकाउंट के वेब से या बाइनांस से सेंड करना है तो वहाँ से एड्रेस लेंगे। अगर किसी और वॉलेट में, जैसे कि मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट है, अगर वहाँ से सेंड करना है तो आपने वहाँ से एड्रेस लेना है, और एड्रेस जो नेटवर्क है वो आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैं BNB सेंड कर, सॉरी ये BNB सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं BNB देखते BNB स्मार्ट चेन है, कौन सा है, यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है, तो वहाँ पे भी आपने BNB स्मार्ट चेन के Web20 चेन सेलेक्ट करना है। ये है OP BNB, तो यहाँ पे वहाँ पे भी आपने फिर OP BNB सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है ये एड्रेस, थोड़ा सा वेरीफाई करेगा कि वाकई ये एड्रेस BNB चेन का है या नहीं। अगर होगा तो यहाँ पे कन्फर्म कर देगा, कंटिन्यू होगा। अब कितनी यहाँ पे BNB मैंने सेंड करना है, तो यहाँ पे मैं जो है $10 के यहाँ पे BNB सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं $10 का BNB सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे रिवाइज सेंड कर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोड वगैरह दोगे, क्योंकि बस यहाँ पे आपका जहाँ जी जहाँ भी आप सेंड करना चाहे वहाँ पे आपका जो है BNB पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक्सचेंज पे आऊँ तो कुछ ही यहाँ पे मिनट में यहाँ पे मेरा डिपॉजिट जो है मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपॉजिट कुछ ही यहाँ पे आपके पास सेकंड में आपके पास शो हो जाएगा। तो इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग पे आ गया मेरा BNB, कुछ ही देर में मुझे यहाँ पे शो
हो जाएगा डिपॉजिट यहाँ पे मेरे स्पॉट वॉलेट में हो जाएगा। अगर मैं कहीं और सेंड करता ट्रस्ट वॉलेट में या किसी और बाइनांस वेब थ्री में सेंड करता तो वहाँ पे तो विद इन 1 सेकंड के अंदर आपके पास वहाँ पे वॉलेट पे शो हो जाता है। बस आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने ऐसे बाइनांस से लिया एड्रेस वैसे आपको उधर से जाके लेना होगा। ये था बस डिफरेंस। अब यहाँ पर आपने एक्सचेंज से कैसे सेंड करना है वो भी मैं बता दूँ। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज से सेंड कर दें, ठीक है, यानी कि आप एक्सचेंज पर आए वहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करें, यहाँ से एड्रेस लें सेम वैसे अपोजिट, यानी कि अब आपने एड्रेस लेना है से कहां से मतलब वेब सी से और सेंड करना है वहां से जैसे कि विड्रॉ करते हैं। एक तो ये सीन है, दूसरा सीन है यहां पे रिसीव वाला, ठीक है, ये रिसीव ओनली अवेलेबल है यहां पे तकरीबन, यहाँ पे एक रिसीव तो ये है, यहाँ पे आपको एड्रेस आ जाए कोई भी आप एड्रेस, दूसरा ये ट्रांसफ़र इन वाला भी है, ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे ट्रांसफ़र इन करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सा BMD जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अब ये देखिए तो ये यहाँ पे ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर BNB है यानी कि बाइनांस स्पॉट वॉलेट फंडिंग वॉलेट है, और यहाँ पे नीचे कहाँ से आप बाइनांस से लेके आ रहे हैं वॉलेट में, ठीक है। अब ये मैं BNB कर रहा हूँ, आपको यहाँ से अगर आपको ETH चाहिए तो यहाँ पर आपको ETH, अब आपने एक्सचेंज सेंड करना है तो वहाँ पे आपके पास BNB होना चाहिए फंडिंग या स्पॉट वॉलेट में। अगर ETH किसी भी नेटवर्क पे लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ETH होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ETH आर्बिटम नहीं होगा, ओनली आपने ETH लेना है। नेटवर्क आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे अब ये कोई ना है, जैसे कि मैंने अब BNB लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं BNB रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं BNB, अब यहाँ पे मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे बैप 2, अगर मुझे बैप 20 की नीड है तो मैं ये लूँगा, अगर OP BNB की नीड है तो यहाँ पे मैं इधर विड्रा करूँगा। बाकी यह सिकल सस्पेंड है तो हमें यहाँ पे करना नहीं है। बाकी ये बताते कि फीस इतनी लगेगी, मिनिमम विड्रा इतना, यहाँ पे अराइवल टाइम 2 मिनट है, बट यहाँ पे विद इन 1 मिनट के अंदर या हाफ मिनट के अंदर आपके पास रिसीव हो जाता है। सिंपल है, ये प्रोसेस को ज़्यादा, अगर यहाँ पे अगर आपको ETH करना होगा तो आपके वॉलेट में ETH होना चाहिए, ठीक है, फिर ETH होगा, फिर वो आपको यहाँ पे ETH करेंगे नेटवर्क, आप फिर कोई भी यहाँ पे जो आर्बिटम पे लेना होगा ZKNOVA पे, बेस पे, आपको ZKNX पे, जहाँ पे भी सेंड करना हो फिर वो नेटवर्क करेंगे कंटिन्यू, यहाँ पे आपका ये वाला सारा फंड आ जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये था तो छोटा सा टॉपिक जो कि बट यहाँ पे काफ़ी यूजर्स को फेस आता था, तो मुझे बार बार जो है ना रिपीट करके बताना पड़ता था, इसलिए फिर मैंने जो है सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि एक कॉमन था, सबका यहाँ पे इशू आता था, क्योंकि काफ़ी यूज़र को जो बिगिनर हैं, ठीक है, अब क्योंकि अब मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे सबको देख के चलना है कि बिगिनर के लिए भी मैंने वीडियो बनानी है और जो है यहाँ पे प्रो के लिए भी बनानी है, ठीक है। अब बिगिनर को तो ये अब नहीं पता कि कैसे सेंड रिसीव करना है, फिर मुझे SS के थ्रू या फिर ज़्यादा टाइम ले जाए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। अब कभी भी आपको कोई न्यू, आपका कोई फ्रेंड हो या आप न्यू हो या आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो ये वीडियो देख लेना कैसे सेंड रिसीव करना है बाइनांस वॉलेट से। और बाकी अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, जो टॉपिक कॉमन होगा और मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो उस पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, इश्यू हो रिलेटेड बाइनांस के, करेंसी के, अर्निंग के, ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे आपने यहाँ पे सेटअप करना है, सारा कुछ आपको गाइड करूँगा, बिल्कुल भाइयों की तरह कोई यहाँ पर एटीट्यूड नहीं है, आपको टाइम से रिप्लाई मिलता है पोलाइटली करके, आपको सारा कुछ रिस्पॉन्स भी करता हूँ, कमेंट में भी, ग्रुप में भी, और यहाँ पर पर्सनल भी, तो आप कहीं भी जाए, आपका जहाँ दिल करे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।